हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आ जाया हूँ। बात करूंगा मार्केट अपडेट्स के बारे में, कल की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कल फ्राइडे है और आज कैसा रहा मार्केट, किस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी। तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैंने कहा था रेंज बाउंड की पूरी उम्मीद है और रेंज बाउंड का लोअर रेंज भी नहीं टूट रहा है, अपर रेंज भी नहीं टूट रहा है। बैंक निफ्टी में हमने लोअर रेंज आज टच की है, दोबारा से तोड़ने की भी कोशिश की है, लेकिन लास्ट में थोड़ा एक्सपायरी के कारण पुल बैक आया था। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मूव था जो हम लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की थी। मॉर्निंग में हमने खुलते ही कॉल सेल किए थे तो उसमें काफ़ी अच्छा मिला था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिला था हाफ एन आवर के अंदर, तो वो एक अच्छा ट्रेड था। उसके अलावा हम लोगों ने ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं की क्योंकि एक्सपायरी में थोड़ी सतर्कता बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मार्केट में वो हैं चर्सी, एडिक्टेड हैं और वो लोग पूरे टाइम ट्रेड सुबह शाम ट्रेड करते हैं, घर पर एक रुपये लेके नहीं जाते, न्योछावर करके ही जाते हैं मार्केट में। तो इस तरह की ट्रेडिंग हम प्रेफर नहीं करते और हम इस तरह की ट्रेडिंग सिखाते भी नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ है अपना टारगेट बना के रखिए, अपना एक टाइम बना के रखिए, उसमें ट्रेड करिए और उसके बाद निकल जाइए और बाहर अपनी लाइफ जिए और यही करना चाहिए सबको। तो सबसे पहले वेलकम टू दिस चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करिए, कम से कम 5000 लाइक्स होने चाहिए तब अगला वीडियो आएगा। लास्ट टाइम मैंने कहा था 4000, लोगों ने तो बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट दिया है तो बहुत खुशी हुई इससे। अब यहाँ पे जो भी वीडियोस आप देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं नए ट्रेडर के लिए, स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट कैसे बनाना है, शो ऑफ भी मैंने किया है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि लोगों को आजकल सिर्फ प्रॉफिट देखना है, लोगों को स्ट्रैटेजी और माइंडसेट पे फोकस ही नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, आपको इस पे फोकस करना है कि आप किस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो साइकोलॉजिकली, और यही आपको आगे लेकर जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे फ्लैट मार्केट बंद हुआ है, बहुत ऊपर नहीं था, बहुत नीचे नहीं था, लेकिन वॉलेटिलिटी अच्छी खासी थी। लास्ट में भी मार्केट ने गिव अप किया जो गेंस थे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो भारतीय इंफ्राटेल काफ़ी बड़ा गेनर था, आइडिया काफ़ी बड़ा गेनर था। तो टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ा अच्छा मूव आ रहा है आइडिया और इंफ्राटेल से, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड स्टॉक हैं, तो काफ़ी अच्छा मूव था। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको बाय रिकमेंडेशन दी थी और हम लोगों ने बाय खुद भी किया हुआ है क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा था। और जो डिप आया था दो दिन पहले, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं सुपर ट्रेडर लक्ष्य में, तो मैंने कहा था घबराने कोई बात नहीं है, एक दिन में सब साफ हो जाएगा, ये आज का सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, ये नेगेटिविटी सब क्लियर हो जाएगी, उसके बाद इसको दोबारा अच्छा मूव मिलेगा। और वही आज देख रहे हैं, आज सबसे बड़ा गेनर था आइडिया, तो डेफिनेटली लोग आज चेस कर रहे हैं, जिस दिन बोला गया था उस दिन कोई नहीं खरीदेगा। आज वोडाफोन आइडिया 26% गेन दिया, 26%, लेकिन लोगों को आदत है कि हाँ यार नहीं नहीं और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेते जाते हैं। लेकिन जब नेगेटिव न्यूज़ है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, निकलिए, देखिए सपोर्ट कहाँ है, थोड़ा नॉलेज लीजिए और फिर उसके बाद एंटर करिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाय और सेल किया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्यूचर के ग्रुप में अभी भी सेलिंग चल रही है, तो फ्यूचर ग्रुप में मैंने पहले ही लोगों को कहा था अवॉइड करो, इसमें डिस्कशन भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या इंटरनल्स के फंडामेंटल्स हैं, क्या हम लोगों को कुछ नहीं पता, एक्विजिशन हो रहा है, रिलायंस बाय कर रहा है, इसके कारण हम कोई स्टॉक नहीं ले सकते, और यही रीज़न था हमने इसको रिकमेंड नहीं किया था, किसी को हमने बोला भी नहीं कि लो, और हमने भी नहीं लिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी, ये अच्छा काम किया इन्होंने, आज अच्छा सपोर्ट दिया। ओवरऑल बैंक में अच्छी पिटाई थी, फाइनेंशियल्स में काफ़ी पिटाई हुई है रियलिटी में, और मोरेटोरियम का इशू है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है लोगों को कि सरकार किसी को भी प्रेशर नहीं दे सकती कि वो कंपनियां लोन ज़बरदस्ती वसूलें, अगर हम नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से दो महीने का और आपको मोरेटोरियम मिल गया कि ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, अगर क्लाइंट बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आपको मानना पड़ेगा, तो एक तरह से ये मोरेटोरियम ही है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है दो महीने का। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये थोड़ा निगेटिव होगा बैंक के लिए कल भी, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी और थोड़ा गिरे, उसके कुछ सपोर्ट लेवल्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक भी जा सकता है। अब वो देखने वाली बात होगी कल क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी टेंशन हैं, ग्लोबल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने नैसडैक के बारे में बोला था दो दिन पहले, ट्वीट भी किया था कि ये चंद्रयान की तरह मून पे जा रहा है और गिरेगा तो उसी तरीके से गिरेगा जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, और वही चीज़ हमने आज देखी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो गेनर्स और लूजर्स थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ टॉप गेनर्स में भारतीय इंफ्राटेल, ग्रासिम, टाइटन, यूपीएल। तो टाइटन ऑलमोस्ट अपने हायर लेवल पे है, ग्रासिम भी हायर लेवल पे है, यहाँ से 1-2% का अपसाइड आ सकता है, लेकिन आप ट्रैप मत होइएगा, रिवर्सल बहुत तेज आते हैं स्टॉक्स में आजकल, तो बच के रहिएगा। दूसरी चीज़ है आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल एक स्ट्रक्चर में मुझे लग रहा था स्ट्रेंथ थी, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है। हमेशा कोई भी ट्रेड लीजिए स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए, लोग यहाँ पे शहीद होने आते हैं, बिल्कुल मारेंगे या मरेंगे, तो बस वही है, आप नहीं मार पाओगे तो मरोगे तो ज़रूर, और वही चीज़ होती है सबके साथ। तो कोई भी स्टॉक है अपसाइड है डाउनसाइड है, आइडिया के लिए हम लोगों का 8 के आसपास हम लोगों का सपोर्ट था, 8 पे बाय करना था, अब वहाँ डरना नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, भारतीय एयरटेल को अब सेल करेंगे जब ये गिरने लगा है, तो ऐसा नहीं करना है। अब आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग में प्रॉब्लम है, बैंक्स और गिर सकते हैं, एक्सिस बैंक को और गिरने की उम्मीद है, कोटक भी गिर सकता है। ये जो मोरेटोरियम एक बड़ा इशू है जिसमें सभी बैंकों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे लगता है एक अंदेशा था कि हो सकता है बहुत अच्छा रूलिंग ना आए, क्योंकि कोर्ट की रूलिंग में यही है टाइम मिल जाता है लोगों को, टाइम ज़्यादा
ज़्यादा देना बैंकों के हालत अभी नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम दे ग्राहकों को, लेकिन ग्राहकों को ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये इसलिए आज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था और इसलिए ये बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स नेगेटिव थे। सरकारी बैंक तो ऑलरेडी पिटे हुए हैं तो उनको कोई पूछने वाली बात है नहीं, वो तो जब नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो वो ज़्यादा ही उनकी पिटाई होगी। तो वही चीज़ आज हमने देखी है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो अगर आप वीडियो देखते हैं मेरे तो आपको पता है मैंने नैसडेक के बारे में क्या कहा था। आप देख सकते हैं ये ऊपर लगातार जा रहा था, मैंने ये वाले एंगल पे फोटो लेके बताया था आपको कि ये रिवर्स भी वैसे ही होगा। अभी मैंने जब ये स्टार्ट हुआ है फॉल ऊपर से, उसके पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, ये जो मेरा सपोर्ट लाइन है, तो सपोर्ट ऑलमोस्ट 12,000 के पास है। तो यहाँ से 50-60 पॉइंट का और फॉल आ सकता है और उसके बाद जो एक बड़ा सपोर्ट होगा वो होगा 11,234, मतलब यहाँ से 7-800 का फॉल और आ सकता है, 7-800 पॉइंट। तो यहाँ पे एक डिप, छोटा सा बाउंस और फिर यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है फॉल, क्योंकि ये जो पूरा स्लोप बन रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे इस टाइप का ही फॉल आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये जो स्टीप रैली दिखाती है ये फोमो है, ये जो लोग मिस कर जाते हैं वो लोग पीछा पीछा करते हैं, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट लेगा और फिर एक बार गिर सकता है और फिर इस तरीके से, मतलब यहाँ से करीब करीब 3-4 दिन लग सकते हैं, एटलीस्ट 3-4 दिन या 1 वीक लग सकते हैं यहाँ तक के फॉल को। और अगर नेगेटिविटी मेंटेन रही तो बहुत तेज़ फॉल भी आ सकता है। अब लोग बोलेंगे वैक्सीन आ रही है सब कुछ अच्छा है, मार्केट क्यों गिर रहा है? मार्केट जब इस तरीके से ऊपर जा रहा था, जब कुछ नहीं आया था, तो मार्केट गिर भी सकता है जब न्यूज़ आ रही है। तो आजकल के मार्केट कैसे हो गए हैं, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। तो र्यूमर था तो उठा लिया, अब न्यूज़ आ रहा है तो पता चल रहा है अच्छा है नहीं है, बहुत प्रॉमिसिंग है नहीं है, इसलिए लोग बेच रहे हैं। तो ये आपको नैसडैक में दिख रहा है स्ट्रक्चर। ओवरऑल आप ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा निगेटिव है, 3% डाउन है। हमारा निफ्टी कितना डाउन है आप खुद देख लो, ये 3% डाउन है। डाउ जोन्स भी डाउन है, आपका S&P भी डाउन है 1.5%। तो इसके बाद हमारे में गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं और राइट नाउ निफ्टी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स डाउन है। तो 60 पॉइंट्स डाउन है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक होगा, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी 300-500 पॉइंट का डिप भी मार दे सुबह सुबह। तो ये पॉसिबिलिटी है, कोई श्योरिटी यहाँ लेके नहीं घूमता। आजकल मुझे मैसेज आते हैं सर क्या मैं गारंटीड इनकम बनाने लगूंगा? मैंने कहा यार गारंटीड इनकम स्कीम नहीं है, जीवन आनंद पॉलिसी ले लो, शायद जीवन के बाद शायद गारंटीड पैसा मिल जाए। जीवन में रहते हुए तो कोई गारंटीड पैसा आपको देगा नहीं। तो ये चीज़ याद रखिए कि मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नौकरी 16 साल की पढ़ाई के बाद नहीं लगी, तो ट्रेडिंग में 2 दिन में आके ये लोग सोचते हैं कि पैसे बन जाएंगे, बहुत पैसे बन जाएंगे, बरसने लगेंगे पैसे। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग प्रॉफिट के वीडियो सुबह शाम बनाते हैं, उनको खुद नहीं पता कैसे आ रहा है, तुक्के से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो प्रॉफिट मत बनाओ, प्रॉफिट बनवाओ तब दिखाते हैं, उसको कहते हैं स्किल। इसके लिए नहीं है कि आपने बना लिया। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फॉल आ रहा है ये 3 दिन पहले ही आना था, 3 दिन पहले से आना नहीं था, प्रिपरेशन चालू थी। जिस तरीके का अपसाइड आया था, अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि ये नैसडैक में यही होना चाहिए था और वही हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। अब यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी में एक बहुत स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये ऊपर जा गया फिर एक बड़ा कैंडल बनाया, इसी तरह हम ऊपर जा रहे हैं और आज ये सेलिंग कैंडल बना है। हाई से हमने गिव अप किया है, लेकिन यहाँ से और बड़ा फॉल आ सकता है अगर हमने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो अगर 11,480 के नीचे हम गए तो एक बड़ा फॉल यहाँ पे आ सकता है और हम दोबारा से रिटेस्ट कर सकते हैं 310-320 के लेवल। 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, ये हम नहीं कह सकते, डिपेंड अपॉन ग्लोबल मार्केट किस तरीके से पैन आउट होता है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। और अपसाइड के लिए आपका 11,575 का अप्रॉक्सीमेट लेवल है जहाँ पे हम सेल करना है। तो ये लेवल आपको आ रहे हैं निफ्टी में। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एरिया है जो 24,100 का लेवल, यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। आज भी हम सस्टेन नहीं कर पाए, हम गए थे वहाँ पे लेकिन अच्छी खासी सेलिंग खुलते ही आ गई। हमने खुलते ही आज कॉल सेल किए थे, ऑलमोस्ट 160 का प्रीमियम मैंने 50 पे कवर किया था और उसके बाद भी सब कुछ जीरो हो गया। जो ऊपर का था कॉल ऑलमोस्ट 23,900 सब जीरो हो गया। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना है और बहुत सेफ था, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्लियर थी कि हम दोबारा से इस रेंज में ही रहेंगे। अगर आपने मेरा 2 दिन पुराना प्रॉफिट वाला वीडियो देखा था तो मैंने ये रेंज क्लियरली डिफाइन की थी एक्सपायरी तक के लिए कि यहाँ पे बाय यहाँ पे सेल, सेम चीज़ हो रही है। अब हो सकता है एक्सपायरी के बाद हम इसको ब्रेक डाउन करें और हम हो सकता है 23,000-22,800 तक गिर जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है बैंक निफ्टी में। अगर आपको 23,100 या 23,050 के आसपास मार्केट मिले वहाँ बुक भी कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हैं,
ओवरसोल्ड है काफ़ी, तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 23,000 के आसपास मार्केट जाएगा, वहाँ पे आपको देख के चलना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट कैसा कर रहा है, यूएस फ्यूचर क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से बुक भी कर लेना है। और अगर बहुत बड़ा फॉल आ जाए, क्योंकि ये कैंडल 1900 पॉइंट का था, तो यहाँ से अगर हम 1900 पॉइंट गिव अप करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम सीधे इस लेवल पे भी जा सकते हैं, ये 1000 पॉइंट नीचे, ओनली 1000 पॉइंट में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, 1900 पे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इतना निगेटिव नहीं है और इतना बड़ा फॉल इस लेवल पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग चेस कर रहे थे तो इसलिए बड़ा फॉल आया। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा फॉल नहीं, लेकिन 500 to 1000 पॉइंट का फॉल आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज मत होइएगा। लेकिन ये लेवल होगा, यहाँ पे आप सेल मत करिएगा, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, क्योंकि बाउंसेस आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले टेक महिंद्रा का स्टॉक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये लाइन मैंने चेंज नहीं की है, ये मैंने पहले ही बना दी थी कि ये रेंज है जो टारगेट होगी आपके हायर लेवल। 773 भी टच कर चुका है ये, और दोबारा नीचे आके फिर से ये बाउंस किया है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन मैंने अब जाके मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस, ये है ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना। और जो चीज़ अगर आप बिलीव करते हो तो स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए कुछ श्योरिटी का यहाँ काम नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का खेल है, और प्रोबेबिलिटी में आपको स्टॉप लॉस से सेफ्टी, ठीक है, और सेफ्टी लगा के आप ट्रेड करोगे हमेशा मिलेगा। तो लोअर लेवल पे क्यों सेल करना है, हायर लेवल पे सेल करो ना। लेकिन यहाँ पे दम नहीं आता लोगों के, लोगों को यहाँ पे सेल करना है। क्यों? अरे सब बेच रहे हैं, चलो हम भी बेच के थोड़ा सा कमा लेते हैं, बहुत आसान है स्टॉक मार्केट। तो मार्केट बता दिया होगा कि कितना आसान है अगर आपने यहाँ सेल किया है। तो ये चीज़ करिए, यहाँ पे मत सेल करिए। अभी यहाँ से और ऊपर जा सकता है। अगर कल आईटी में थोड़ा अप मूवमेंट दिखा, आज भी आईटी में अच्छा खासा मूवमेंट था, अगर आईटी में अच्छा मूवमेंट दिखा तो ये फिर से 770 जाएगा। लेकिन 770 के ऊपर शायद ना जा पाए, तो वहाँ पे सेल करिए, और वहाँ भी स्टॉप लॉस लगा के सेल करना है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली सेल करना है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। तो टेक महिंद्रा थोड़ा सा अपसाइड आ सकता है, लेकिन वहाँ पे 775 के आसपास सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तलाश करना है, और डाउन साइड में 741 तक गिर सकता है अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की। तो अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक में इस कैंडल के बाद बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं हो पा रही लोगों की, आप देख सकते हैं रेंज थोड़ी सी नैरो है। तो मेरे हिसाब से इसमें भगवान मत बनिए, लेट इट ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। लोअर लेवल आपका है अप्रॉक्सीमेटली 620 के नीचे जाए शॉर्ट मारिए, और 650 के ऊपर जाए लॉन्ग करिए। इतना आसान है, कोई इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज़ चाहिए, पेशेंस, जो लोगों के पास नहीं है। तो आई होप आप ढूंढ पाएंगे पेशेंस और उसको उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब हम ICICI बैंक देख लेते हैं। तो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये दो बैंक में लेने वाला हूं। तो ये दोनों बहुत वीक हैं, आप देख सकते हैं इस एरिया पे रुकना चाहिए था 395 के आसपास, रुका ही नहीं, उसके हम नीचे आ गए हैं। और इसके नीचे जो सपोर्ट है बहुत नीचे है, 350-360 के आसपास है। तो यहाँ से फॉल कोई बड़ी बात नहीं है अगर आ जाए यहाँ पे 370-365 तक का कल ही, और उससे बड़ा भी फॉल आ सकता है। तो ओवरऑल 2-3% का डाउनसाइड और दिखता है ICICI बैंक में। लेकिन अगर गैप डाउन हो तो यहाँ पे आप चेज मत करिएगा, यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट थोड़ा मिले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्लस्टर है, बाइंग भी आ रही है यहाँ पे, आप सेलिंग भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको निकल जाना है, बहुत ज़्यादा चेज नहीं करना है। अगर यहाँ पे आप मुझे बोलते कि 400 पे क्या करना है आज, तो खुलते ही हर चीज़ सेल करनी थी जो बैंक से रिलेटेड। अब क्या करना है, अगर यहीं पे खुलता है गैप डाउन तो ठीक है, आप निकल जाइए, अगर आप ऑलरेडी हैं अंदर। और अगर आपको गैप डाउन खुलता है और आप फिर नई एंट्री लेने की सोचते हैं तो वो गलत है। तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक अगर आपके पास है तो होल्ड करके कंटिन्यू कर सकते हो 365 तक। अब हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस में अभी भी स्ट्रक्चर वीक नहीं है, क्योंकि पहले अपसाइड आया, फिर एक छोटा सा डिप आया, फिर अपसाइड चल रहा है। लेकिन इस लेवल को वेट करिए 3550, अगर 3550 ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा डिप आ सकता है यहाँ पे 3250-3300 तक का। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ओवरऑल अभी किसी तरह से ये थामा हुआ है इस ट्रेंड को, और इस ट्रेंड को ब्रेक करने पे आपको एटलीस्ट 300 पॉइंट का डिप मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के बारे में। तो सेम चीज़ है जो उसमें हुआ आपके ICICI बैंक में, वीकनेस है, यहाँ पे रुकना चाहिए था, नहीं रुक पा रहा है। अब कहाँ पे रुक सकता है, 455-460 के आसपास रुक सकता है। तो यहाँ से 3% तक का डाउनसाइड और दिखता है। अगर आपको यहाँ पे कोई बाउंस मिले तो सेल करिए, अगर आपको गैप डाउन मिले और गैप डाउन को आपको चेज करना है तो यहाँ तक चेज कर सकते हैं 455-457 तक, उसके बाद चेज मत करिएगा, यहाँ पे निकल जाइएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है आपको एक्सिस बैंक में। अब एक और स्टॉक है जो ब्रेकडाउन जैसा दिखा रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो ये ट्रेंड है, ये भी काफ़ी पुराना, बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ मैं। अब इसमें ये ब्रेकडाउन है, मेरे हिसाब से ये ब्रेकडाउन है। तो मैं इस लाइन को स्टॉप लॉस लेके 207 को स्टॉप लॉस लगा के मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, और मेरे टारगेट्स जो होंगे 184-185 तक के हम टारगेट यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपका 207 क्लोजिंग बेसिस पे देखिएगा, एटलीस्ट 1 आवर कैंडल के। अगर एक घंटे तक इसके ऊपर चला जाए फिर आप निकलिए, अदरवाइज ये सब ब्लफ होगा। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत बार यहां कोशिश किया इसने बाउंस करने की, लेकिन अब ब्रेकडाउन शायद कर रहा है, तो हो सकता है ये 184-183 तक डिप मारे। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में आपको यहां पे क्लैरिटी देना चाहता था।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए चैनल के सभी वीडियोस। एटलीस्ट 5000 लाइक्स इन 24 आवर्स हो जाएंगे तो बहुत अच्छा वीडियो आपको फिर ला के दूंगा संडे को, जो मंडे की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा। थैंक यू वेरी मच।